हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है जो कि पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके ऐड करवाने का प्रोग्राम है। यानी पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके यहां लिखा हुआ एंटर सिक्स नंबर, सेटिंग कुछ ऐसी करी है मैंने कि छह नंबर आपको एंटर करने की स्वतंत्रता देता है, और जैसे ही आप छह नंबर एंटर करेंगे उसके बाद ये छह नंबर का एडिशन करके दे देगा। जी हाँ बिल्कुल, आइए एक बार इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसको एक बार रन करवाया तो यहां कह रहा है एंटर सिक्स नंबर, चलिए कोई छह नंबर एंटर करते हैं। जैसे मैंने दो एंटर किया, चार एंटर किया, पांच एंटर किया, छह एंटर किया, यहां पर सात एंटर किया और एक नंबर और मैं आठ एंटर कर देता हूं। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, चार दो छह हो गया और छह पांच ग्यारह और ग्यारह छह सत्रह हो गया। सत्रह के बाद सात ऐड करिएगा तो चौबीस हो जाएगा और चौबीस और आठ बत्तीस हो जाएगा। यहां पर देखिए आंसर क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। क्लियर, चलिए एक बार फिर इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। ये रन करा दिया हमने और अब फिर यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं, लाइक इस बार टू फोर थ्री फाइव सिक्स इस तरीके से और भी वैल्यूज हमने एंटर कर दिए और यहां पर देखिए इन सबका सम होके आ जा रहा है। यहां पर हमने यूज किया है पॉइंटर वेरिएबल, ये देखिए ये एरे पॉइंटर। अब देखिए इसमें एरे भी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है सी लैंग्वेज में एरे का सिंबल होता है, इससे पता चलता है कि हमने यूज किया है एरे। और यहां पर देखिए स्टार सिंबल, इससे पता चलता है कि हमने इसमें पॉइंटर भी यूज किया है, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।